मैंने औरतों के हसद के बारे में तो सुना था, लेकिन औरत हसद और जलन में किस हद तक जा सकती है ये नहीं देखा था। ये क्या किया तुमने तबस्सुम? मैं आपकी नूर की इस घर की मुजरिम हूं। आपने जो भी सजा देनी है मैं तैयार हूं। बस इंसान थी ना, शैतान के आगे कमजोर पड़ गई। मैंने ये भी नहीं सोचा कि बुरी सोच और बुरे अमल का कुछ ना कुछ नतीजा इसी दुनिया में देखना पड़ता है। मुझे माफ कर दे वसी, मेरी बेटी का घर बसने से पहले उजड़ने को है। आपने कभी मेरा दिल नहीं दुखा, आप हमेशा मेरे साथ अच्छे थे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे बस। मैं माफी के लायक नहीं, लेकिन मुझे माफ कर दे बस। मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, मुझे इस घर में क्या, इस दुनिया में भी नहीं जीना चाहिए। सॉरी फसी, सॉरी। मकान औरत कहो, अच्छा बस सही वक्त पर तुम्हारी घटिया असलियत सामने आ गई। काय मेरी रकम दो वापस। ना मुझे तुमसे कोई ताल्लुक रखना है और ना ही मुझे तुम्हारे घटिया मोहल्ले में बना हुआ घर खरीदना है। बेटा तुम तो खरीदार लेकर आए थे। वो खरीदार मेरा ही था, वो मेरा ही आदमी था। पैसे तो मेरे वापस। बोला ना मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना और ना तुम्हारी उम्र रसीदा बेटी से शादी करनी। खबरदार जो मेरी बेटी और बीवी के लिए एक लफ्ज भी मुंह से निकाला, जुबान खींच लूंगा मैं तुम्हारी। ये मेरा घर है, मेरा। यहां आवाज सिर्फ मेरी बुलंद हो सकती है, किसी और की नहीं, समझे तुम? इनकी इज्जतों का मुहाफिज अभी जिंदा है। क्या सोच कर आए थे तुम यहां हंगामा करने? तुम मुझसे सवाल करने के बजाय अपनी बीवी से सवाल करो ना। क्या कर रही थी तुम्हारी पीठ पीछे? तुम्हारी पीठ पीछे ये घर बेचने वाली थी तुम्हारा, और तुम खरीदने चले थे ये भूल कर कि मकान बिका करते हैं घर नहीं। ये ऊपर मेरे ऑफिस के कुछ पैसे पड़े हैं, लेकर आओ और इसके मुंह पर मारो। ये पैसे लेते ही यहां से फौरन निकल जाना, वरना ये जो मोहल्ला जिसे तुम बुरा कह रहे हो ना, मेरी एक आवाज पर इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा यहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये लो पकड़ो अपने पैसे और अपना लालची वजूद लेके हमारे घर से बाहर दफा हो जाओ। और हाँ, रस्ते से अपने लिए एक छोटा सा फीडर खरीद लेना, बड़े आए नकली वकील कहीं के ना हो। निकल जाओ यहां से। तबस्सुम, रब के नाम पर मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन खुदा के लिए एक मर्तबा मेरी बेटी से मेरी बात करवा दो। शाहनवाज को जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन खुदा के लिए एक मर्तबा मेरी नूर से मेरी बात करवा दो प्लीज।